केरल में भारी बारिश का कहर जारी, मौत का आंकड़ा पहुंचा 30 पार। पीएम मोदी ने सीएम पिनराई विजयन से की बात। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही टारगेट किलिंग की घटनाएं, आम लोगों को निशाना बना रहे आतंकी, आईजीपी कश्मीर ने जारी की इमरजेंसी एडवाइजरी। उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से दो दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी, अस्थायी तौर पर रोकी गई केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर भी लगाई गई। बेंगलुरु में भगवा रंग में नजर आई कर्नाटक पुलिस, फोटो वायरल होते ही कांग्रेस हुई आग बबूला, कहा त्रिशूल भी पकड़ा देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। केरल में भारी बारिश और बाढ़ के कहर से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। इधर केरल में बाढ़ प्रभावित जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, हालांकि राहत और बचाव कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। बता दें कि यहां बीती रात से ही रुक रुक कर कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, वहीं एनडीआरएफ की विशेष टीम तैनात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की और बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा भी की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, केरल के मुख्यमंत्री से बातचीत की और केरल में भारी बारिश तथा भूस्खलन के मद्देनजर स्थिति पर विचार विमर्श किया। अधिकारी घायलों और प्रभावितों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सभी के सुरक्षित रहने और उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्होंने एक और ट्वीट किया है और कहा कि ये दुखद है कि केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कई लोगों की जान चली गई, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। आपको बता दूं कि केरल में लगातार भारी बारिश का कहर जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, कई घर ऐसे हैं जो ताश के पत्तों की तरह बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, कई लोगों की जान चली गई है, ये आंकड़ा 31 हो गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, केरल के मुख्यमंत्री से लगातार वो संपर्क कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से एक घर जमींदोज होता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात केरल में बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के नए चैप्टर का नाम है टारगेट किलिंग। यहाँ घाटी में आतंकी आम लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं, टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम देने के लिए आतंकी नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। वारदात को अंजाम देने से पहले बकायदा टारगेट की रेखी की जाती है, फिर मौका देखकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। घाटी में बढ़ती टारगेट किलिंग की वारदातों को देखते हुए प्रशासन ने सभी गैर स्थानीय लोगों को पुलिस और सेना के कैंपों में शिफ्ट करने का निर्णय कर लिया है। रविवार शाम को आईजीपी कश्मीर की तरफ से एक इमरजेंसी एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी गैर स्थानीय लोगों को पुलिस और सेना कैंपों में शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि आतंकियों द्वारा लगातार गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दूं कि बीते 16 दिनों में जम्मू कश्मीर में 11 लोगों की जान चली गई है और अब इसे टारगेट किलिंग लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि पहले टारगेट की रेकी कर रहे हैं आतंकी, फिर मौका देखकर उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। ऐसे में लगातार एडवाइजरी जारी की गई है, आम लोगों को लगातार आतंकी निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते 16 दिनों में 11 लोगों की जान चली गई, जिसकी वजह से घाटी में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि बीते दिनों हालात बद से बदतर हो गए थे, ऐसे में जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं उन्होंने भी अपनी बुकिंग कैंसिल की थी, संख्या काफी कम हो गई थी, लेकिन हालात जैसे ही सुधरे वैसे फिर से ये तेजी देखी गई। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो पूरी तरह से टारगेट किलिंग है, क्योंकि जो भी टारगेट थे उनकी पहले रेकी गई है, उनके बाद उनकी हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं, सेना के कैंपों में उन्हें पनाह दी जा रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से दो दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हाई अलर्ट के बाद प्रशासन ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर भी रोक लगा दी है। प्रशासन ने यह फैसला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया। बता दें कि केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी रोक के बाद तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है।
जहां से श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा विभिन्न पड़ावों पर भी पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें तैनात हैं, जो यात्रियों को मौसम की जानकारी दे रहे हैं। मौसम सामान्य होने पर ही यात्रा को खोला जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि फिर से साल 2013 में हुई बारिश जैसे हालात हो सकते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने बताया है कि मौसम विभाग की ओर से हाई अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें दो दिनों की भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में जिला प्रशासन ने निर्णय लेकर सुबह से यात्रा पर रोक लगा दी। जो यात्री केदारनाथ पहुंच गए हैं, उन्हें दर्शन कराने के लिए और उसके बाद गौरीकुंड और सोनप्रयाग भेजा जा रहा है। उधर बद्रीनाथ धाम की यात्रा को भी रोक दिया गया है। जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों को पांडुकेश्वर जोशीमठ में सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी है। डीएम हिमांशु खुराना ने यात्रा पर रोक की जानकारी दी। इसके साथ ही मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बद्रीनाथ धाम में रह रहे तीर्थयात्रियों को धाम में ही रुकने की सलाह दी जा रही है। यानी कि एक बार फिर से चारधाम यात्रा पर खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से हालात सही नहीं है और तब तक हालात सामान्य नहीं होते जब तक यात्रा रोक दी गई है। आज सुबह से ही यात्रा पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ा निर्णय लिया गया है अस्थायी तौर पर। हालांकि जो यात्री या श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच गए थे, उनको भी दर्शन कराकर वहां से गौरीकुंड या सोनप्रयाग भेजा गया है, तो अस्थायी तौर पर यात्रा पर रोक लगा दी गई है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम यात्रा पर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से बदला हुआ है और मौसम विभाग ने ऐसे में दो दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हाई अलर्ट के बाद प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने फैसला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर रखा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुभाष कौर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, एक बार फिर से चारधाम यात्रा पर खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग ने दो दिन की भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि साल 2013 में जो त्रासदी हुई थी केदारनाथ में, एक बार फिर से वैसे हालात बन सकते हैं। सुभाष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सुभाष, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो सुभाष तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से संपर्क साधेंगे। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि अस्थायी तौर पर केदारनाथ यात्रा बद्रीनाथ यात्रा रोक दी गई है, क्योंकि दो दिन का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है, क्योंकि भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में यात्री सुरक्षित रहें और यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा जो है वो प्रशासन पर है, इसलिए पहले से ही यात्रा पर रोक लगा दी। एक बार फिर मेरे सहयोगी सुभाष मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, एक बार फिर से चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है, हालांकि ये रोक अस्थायी तौर पर है, दो दिन तक भारी बारिश हो सकती है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से ही लगातार जो प्रशासन है और सरकार है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, खासतौर से क्योंकि अब पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड और ऐसे में चारधाम यात्रा जिस तरीके से शुरू की गई थी और ये देखा जा रहा था कि यात्री बहुत अधिक संख्या में उत्तराखंड आ रहे थे, पर्वतीय क्षेत्र में ट्रेवल कर रहे थे, तो ऐसे में सरकार चाहती थी कि जो अलर्ट मोड मौसम विभाग द्वारा दिया गया उसमें सचेत रहे तमाम यात्री, और ऐसे में विभाग के जो अधिकारी हैं यानी कि जो जिला अधिकारी हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी जो चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में जाम लग रहा था और इतनों की संख्या में जिस तरीके से यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे थे चारधाम यात्रा करने, तो उसको देखते हुए अलर्ट के बाद चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है दो दिनों के लिए, क्योंकि मौसम विभाग का बिल्कुल। सुभाष, देखिए जैसे जिस तरह से जो रोक लगाई गई थी चारधाम यात्रा पर और जो संख्या थी वो सीमित थी, उसके बाद वो जो बाध्य थे कि आप 800 लोग ही जो हैं वो दर्शन कर सकते हैं यात्रा कर सकते हैं, लेकिन वो संख्या अब हटा दी गई है, अब काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में अभी भीड़ जैसे हालात बने हुए हैं चारधाम यात्रा पे। केदारनाथ की बात करें या बद्रीनाथ की हम बात करें, यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो उन्हें सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुंचाया जा रहा है, उनकी देखरेख कैसे की जा रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से, सरकार ने आदेश जारी कर दिया था कि चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया जाएगा दो दिनों के लिए, तो ऋषिकेश से ही जो यात्री चारधाम के लिए आ रहे थे उनको वहीं रोक दिया गया था और आगे आने के लिए उनको अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि जो स्थानीय पुलिस है, ऋषिकेश हो, देवप्रयाग हो, रुद्रप्रयाग हो या फिर कहा जा सकता है श्रीनगर हो, तमाम जो पुलिस अधिकारी थे वो सड़क पर मौजूद थे और जो यात्री थे उनको वहीं रोकने की कोशिश की जा रही थी,
हाई अलर्ट वाले क्षेत्र है, चाहे चमोली जनपद हो, रुद्रप्रयाग जनपद हो, क्षेत्रों में जाने से उन्हें रोका जा रहा था। यात्रा पूरी तरीके से बंद की गई थी, तो ये कहा जा सकता है कि हस्ती भी उचित स्थानों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, सुरक्षित स्थान पर रखने की कोशिश की जा रही थी। यानी कि क्षेत्र है श्रीनगर हो, रुद्रप्रयाग मुजफ्फरपुर देवप्रयाग हो या फिर ऋषिकेश है, इन शहर क्षेत्रों में उन लोगों को रोका जा रहा था और इन्हीं क्षेत्रों में उनको रहने की व्यवस्था भी कराई जा रही थी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अलर्ट को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं चार धाम यात्रा को दो दिन के लिए रुका गया, लेकिन अगर बरसात की बात करें तो बरसात लगातार पहाड़ों में जारी है और ऐसे में कई स्थानों पर लैंडस्लाइड जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल सुभाष, फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है केदारनाथ बद्रीनाथ में? और दूसरी बात ये कि अंदेशा ये भी है कि 2013 में जिस तरह से त्रासदी हुई थी केदारनाथ में, वैसे हालात बन सकते हैं, तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की? बिल्कुल, प्रशासन अलर्ट कहीं ना कहीं खराब बना हुआ है, बरसात लगातार जारी है। इसे कहा जा सकता है कल देर रात से चाहे चमोली जनपद हो या फिर रुद्रप्रयाग हो या उत्तरकाशी, तीनों ही जनपदों में बरसात हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जैसे स्थिति कई स्थानों पर बन रही है, तो टॉल मेटर रोड पर मकान तक लगातार जारी था, कार्यों को भी नहीं रोका जा रहा है। जी ठीक है सुभाष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि पहाड़ों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा पर भी अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है, ताकि यात्रियों जो पहुंचे हुए वहां पर और जो पहुंचने वाले हैं उन्हें वहीं पर रोक दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, पहले से ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बेंगलुरु के उडुपी जिले के कापू पुलिस थाने और कर्नाटक के विजयपुरा ग्रामीण जिले में दशहरा समारोह के दौरान भगवा पोशाक पहने हुए पूरे पुलिस स्टाफ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो गई हैं। इस मामले ने विपक्षी कांग्रेस और सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच एक नया विवाद छेड़ दिया है। जैसे ही तस्वीरें वायरल हुई, पोस्ट ने गर्मा गर्म बहस पैदा कर दी। विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आप पुलिस को त्रिशूल क्यों नहीं बांटते, आप केवल उनकी पोशाक बदल रहे हैं। यदि आप त्रिशूल वितरित कर सकते हैं तो कर्नाटक में जंगल राज लाने का आपका सपना साकार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य में नैतिक पुलिसिंग के नाम पर मासूम युवकों और युवतियों पर हमले हो रहे हैं, दूसरी ओर नैतिक पुलिसिंग मामले में आरोपी को रिहा कराने के लिए बीजेपी विधायक एक थाने के अंदर घुस गए। सिद्धरमैया ने सवाल किया है कि इसके अलावा हिंदू संगठन त्रिशूल बांट रहे हैं और खुले तौर पर हिंसा का आह्वान कर रहे हैं, और सभी घटनाक्रमों को राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी का समर्थन भी मिल रहा है, क्या वहां शासन है? ये सवाल यहां किया गया। वहीं इस पूरे मामले में भी लगातार सियासी तौर पर सियासत हो रही है और राजनीति भी लगातार बरकरार है। तो इसी मामले में प्रतिक्रिया देते हुए यूडीपी के बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट ने सिद्धरमैया से सवाल किया है कि वो भगवा को लेकर इतने डरे हुए क्यों हैं। उन्होंने सिद्धरमैया को चेतावनी दी है कि अगर वो भगवा का विरोध करते हैं तो उन्हें और दरकिनार किया जाएगा। केसरी रंग बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमने इस देश में प्राचीन काल से केसर की पूजा की है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सिद्धरमैया अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हैं और हिंसा के साथ भगवा को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो हैं, जो फोटोज हैं, जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी में तल्ख टिप्पणी शुरू हो गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार किया जा रहा है, जहां कांग्रेस ये कह रही है कि त्रिशूल भी हाथों में दे देना चाहिए और सीधे तौर पर हिंसा यहां पर दिखाई देती है, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि आखिर केसरी रंग से कांग्रेस को क्या दिक्कत है? क्या सिर्फ अल्पसंख्यकों को वो रिझाना चाहते हैं या सिर्फ उन्हीं का ही वो सोच विचार कर रहे हैं? बाकी जो लोग हैं, क्या उनको लेकर उनके मन में कोई सोच विचार नहीं है? ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं वो लगातार फिलहाल सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भगवा रंग में नजर आई कर्नाटक पुलिस, जिसके बाद सियासी पारा सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ है। तो बीजेपी का समर्थन प्राप्त है, क्या वही शासन है? ऐसे में तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट ने सिद्धरमैया से सवाल किया है कि भगवा को लेकर इतने डरे हुए क्यों हैं। उन्होंने सिद्धरमैया को चेतावनी दी कि अगर वो भगवा का विरोध करते हैं तो उन्हें और दरकिनार कर दिया जाएगा।
केसरी रंग बलिदान का प्रतीक है, हमने इस देश में प्राचीन काल से केसर की पूजा की है। वो आगे सवाल करते हैं कि क्या सिद्धरमैया अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हैं और हिंसा के साथ भगवा को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो फोटो वायरल होते ही कांग्रेस आग बबूला नजर आ रही है। आपको बता दें कि दशहरे के मौके पर अगर कर्नाटक के कुछ इलाकों की हम बात करें तो यहां पर जो पुलिसिंग थी वो भगवावयी नजर आ रही थी। दरअसल जो पुलिस स्टाफ था वो भगवा कलर में नजर आ रहा था, उसी रंग के उन्होंने कपड़े पहने थे, जिसको लेकर कांग्रेस को ये बात अच्छी नहीं लगी और कांग्रेस ने तीखी टिप्पणी की है, जिसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि जानबूझकर हिंसा बढ़ाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि यहाँ लगातार इस तरह की हरकतें हो रही हैं लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और ज्यादा जानकारी के लिए कांग्रेस प्रवक्ता भूदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूदेव जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू काजल जी। भूदेव जी, कर्नाटक में जो पुलिसिंग है वो भगवा में नजर आ रही है, कांग्रेस को क्या आपत्ति है भगवा रंग से? देखिए काजल जी, कि आज देश में जिस तरह से कहीं पर भी कोई भी आंदोलन होता है, चाहे वो CAA NRC को लेकर हो, आपने देखा हो दिल्ली में, या फिर किसानों का आंदोलन हो 26 जनवरी को, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। जहां पर भी ये देखते हैं ये RSS के लोग, जो पुलिस की भर्ती में या किसी भी तरह से, जहां देश में कहीं पर भी आंदोलन हो या कोई जुलूस निकाला जाए, तो ये अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो आंदोलन खत्म हो जाए या फिर जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसको समाप्त किया जा सके। इस तरह की घटनाएं देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी के विचारों का देश है। और मैं कहता हूं कि पूरे देश को आवाज उठानी चाहिए, जैसे हम कांग्रेस इस समय आवाज उठा रही है, क्योंकि अगर इस देश को अगर विश्वगुरु बनाना है तो इस तरह की घटनाओं को रोकना होगा। और ये सरकार के ये गुंडे हैं, ये कोई देशभक्त नहीं है, देशभक्ति के नाम पर ये केवल लोगों को पीटने का, इस तरह के उपद्रव करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए और ऐसी घटनाएं कभी होनी ही नहीं चाहिए इस देश में। भूदेव जी, के विचारों का देश है काजल जी। जी भूदेव जी, आपकी सारी बात ठीक है, बस एक बात का जवाब दे दीजिए कि दशहरे के मौके पर ये पुलिसकर्मी और सारा स्टाफ जो है वो भगवा रंग में नजर आया है, लेकिन भगवा रंग तो सनातन धर्म में है, फिर इतनी आपत्ति क्यों? नहीं, भगवा रंग सनातन धर्म में है। देखिए ऐसा है कि रंग सारे, चाहे भगवा हो, ग्रीन हो, पीला हो, सारे रंग, हमारे तिरंगे में भी 3 रंग होते हैं, हर रंग का कोई ना कोई प्रतीक होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भगवा रंग पहन लिया तो आप वहां पर दंगा करोगे या लोगों को आपस में लड़वाने का काम करोगे। आप कोई भी रंग लीजिए, बिल्कुल है सनातन धर्म का, रंग से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई ना भूदेव जी। सॉरी, क्या बोले? अभी तक तो कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है, हिंसात्मक तस्वीर कोई कर्नाटक से, उन इलाकों में जहां पर ऐसी तस्वीरें दिखाई दी। लेकिन देखिए, ये हमारा देश है वो संविधान से चलता है, संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर आप इस तरह की घटनाएं करोगे, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई हिंसा भड़काने का, दूसरे धर्म के लोगों को भड़काने का इस तरह का काम करते हैं। सनातन धर्म तो एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्मों को साथ लेके चलने की प्रक्रिया होती है, लेकिन आज जिस तरह का माहौल बना दिया गया है भगवा धर्म के नाम पर या फिर राष्ट्रवाद के नाम पर, ये जो है बहुत गलत हुआ है और मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके लिए जिस तरह से आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले भी आप पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो अल्पसंख्यक है उनको यहाँ पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी वजह से ही आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। काजल जी देखिए ऐसा है कि जब से 2014 से जब से ये सरकार आई है, ये केवल और केवल हिंदुओं को बदनाम करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जो सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को साथ लेके चलती है। ऐसा कभी नहीं रहा कि केवल और केवल हमने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया हो। इस देश को आज 70 साल में कितने विकास पर पहुंचाया, विश्वगुरु बनने की ओर हम अग्रसर हैं। जब इन लोगों के जन्म नहीं हुए थे तब हम अंतरिक्ष में लॉन्च कर चुके थे अपने स्पेस प्रोग्राम को। तो ये चीजें, आज इस तरह की बातें करना, इस देश में दंगा फैलाना, लोगों को आपस में डिवाइड करने का काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को साथ लेकर के चलती है और हमेशा चलती रहेगी। हम तो इस देश के मुद्दों पर बात करते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों पर बात करते हैं, लेकिन ये केवल और केवल अल्पसंख्यकों पर
कपड़ों पे, कपड़ों से देश के लोगों को पहचानेंगे, ये मतलब कुल मिलाकर के ये देश को डिवाइड करने का काम करेंगे, धर्म लोगों को जातियों में, वर्गों में, धर्मों में बांटने का काम करते हैं। ये बिल्कुल ही गलत आरोप है, क्योंकि अब पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी ही है जो सभी को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। अगर कर्नाटक की बात की जाए तो वहां कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों में घिरी हुई है, क्या इससे उभरने की कोशिश है, इस तरह की टिप्पणी? नहीं, ऐसा नहीं है काजल जी। देखिए, ये तो विपक्षी पार्टियों का आरोप होता है कि कांग्रेस गिरी हुई है, हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ चलता है, ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला होता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। कांग्रेस पार्टी हर जगह पूरे देश में ही, कर्नाटक में ही नहीं, पूरे देश में, आज उत्तर प्रदेश ले लो, पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, राजस्थान, पूरी मजबूती के साथ उभर रही है। जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम किया था, आज भी कर रहे हैं, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और इन लोगों को सत्ता से जल्दी देश की जनता दूर करेगी। कर्नाटक में कांग्रेस की छवि कहीं ना कहीं बहुत धूमिल होती हुई नजर आ रही है, ऐसा बीजेपी वाले कहते हैं। हर मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रहती है, कर्नाटक में खासकर, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? काजल जी देखिए, मैंने अभी कहा, क्योंकि आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बिना डरे हुए, हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी हो, या दूसरे जितने भी नेता हैं, बिना डरे हुए इस समय इस पार्टी से संघर्ष ले रहे हैं, देश के लोगों की आवाज उठा रहे हैं, और इस पूरे देश में अगर इनको सही रास्ते पर ला सकते हैं, इनको इस इनके तानाशाही रूप से अगर इनको झुका सकते हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए ये हमेशा कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते रहते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इनका आईटी सेल हमारे नेताओं को, हमारी कांग्रेस पार्टी। चलिए ठीक है बुदेव जी, वो तो वक्त बताएगा, जब अगले साल 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होंगे, कांग्रेस किस तरह से उभर रही है, किस तरह से पटरी पर आ रही है, ये तो वक्त बताएगा, इंतजार हमें करना होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कर्नाटक का ये पूरा मसला था, कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं। दरअसल दशहरे के मौके पर कुछ इलाकों में जो वहां की पुलिसिंग नजर आई वो भगवा में नजर आई, जिसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर अब राजनीति लगातार की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।